मैं मत्सा केटा को लेकर आया हूँ एक बहुत ही बड़ी खबर, जो कि है शिवम दुबे को लेकर। आइए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। उससे पहले शेयर करना वीडियो को अपने दोस्तों में और चैनल को इसी वक्त करते चलो सब्सक्राइब ताज़ा खबरों को सबसे पहले जानने के लिए। बात करते हैं बड़ी अपडेट के बारे में, जहां पर इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हो रहा था पाँचवा और अंतिम T20 मैच, जहाँ पर टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर यह सीरीज 5-0 से अपने नाम कर ली। बड़ी बात इसमें से यह है कि आज संजू सैमसन ने भी एक भयंकर कैच पकड़ा है, लेकिन उसके अलावा शिवम दुबे ने अपने ओवर में 34 रन देकर एक अनोखा रिकॉर्ड बना दिया है। बड़ी बात इसमें से यह है कि उम्मीद की नहीं जा रही थी कि केएल राहुल से, क्योंकि वो कप्तानी कर रहे थे और रोहित शर्मा चोटिल हो चुके हैं क्योंकि वो उनके पैर में चोट लग चुकी है। हो सकता है कि वो ODI सीरीज से बाहर भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये हुआ क्या था। केएल राहुल कप्तानी कर रहे थे तो उन्होंने शिवम दुबे को बॉलिंग अटैक पर लाया। शिवम दुबे ने अपने ओवर में 34 रन दे डाले। बड़ी बात यह है कि उस वक्त न्यूजीलैंड को चाहिए था 64 बॉल में 100 रन, और उसी वक्त शिवम दुबे ने अपने 34 रन दे दिए, जिसके चलते पूरा दबाव हट चुका था। लेकिन उसके बाद से केएल राहुल ने गलती नहीं की और शिवम दुबे को दोबारा